नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मात्र 1500 रुपये लगाकर प्रतिदिन का 1000 रुपये कमा सकते हैं। हमारे भाई हैं, ये कमा भी रहे हैं। किस प्रकार से आप आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करेंगे और क्या क्या लागत है, कहाँ से माल खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम भाई से बात करते हैं, फिर आपको बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएंगे? प्रेमी। इनका नाम प्रेमी जी है, आपका नाम? राम सेवक। इनका नाम राम सेवक है, आपका नाम? दिलीप। ये दिलीप जी है। ये तीनों भाई सुबह सुबह से काम शुरू करते हैं, शाम को वापस आते हैं। लगभग लगभग 12 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है। 12 घंटे काम करने के बाद ये प्रतिदिन 1000 रुपये कमाते हैं। दोस्तों, किसी दूसरे की नौकरी नहीं करनी, अपना स्वयं का बिजनेस है, आप भी शुरू कर सकते हैं। लागत कितनी है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। अच्छा, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर, आप एक चीज बताइए, आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं? 4 साल से। जो हमारे प्रेमी बजी हैं, ये लगभग 4 साल से आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हैं। और आइसक्रीम का बिजनेस हमेशा तो होता नहीं है, जब आइसक्रीम का बिजनेस बंद हो जाता है तो क्या दूसरा बिजनेस भी आप करते हैं? हाँ, फल फ्रूट का। उसके बाद ये फल फ्रूट का बिजनेस शुरू कर देते हैं, यानी कि एक बिजनेस जब बंद होता है तो दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको अभी खाली बैठे हुए हैं तो कुछ पैसे का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा प्रेमी जी, एक चीज बताइए, अगर कोई आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसे किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? उनको एक बाइक की आवश्यकता पड़ेगी। एक बाइक की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे वो आगे दूर तक जा सके। दूसरी चीज पेटी चाहिए। एक पेटी चाहिए। पेटी उसकी पर्सनल ना हो तो कंपनी पेटी देती है अपन को। दूसरी चीज इसमें ये है दोस्तों, अगर आप एक पर्सनल पेटी खरीद सकते हैं, अगर कोई पेटी खरीदना चाहे तो कितनी कीमत होगी? 7 से 8 हजार। 7 हजार रुपए से लेके 8 हजार रुपए के बीच में एक पेटी आपको मिल जाती है, जिसे आप पर्सनल खरीद सकते हैं। और अगर पेटी आपको नहीं मिल रही है कहीं से, तो आपको जहाँ बर्फ फैक्ट्री होती है वहाँ से आपको फ्री में मिल जाती है। यानी कि सुबह ले जाइए, शाम को आप पहुँच जाइए, यही होता है ना? हाँ। तो यानी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, केवल आपके पास एक बाइक होनी चाहिए। बाइक होना अनिवार्य है। बाइक नहीं है तो आप साइकिल से भी कर सकते हैं, लेकिन साइकिल से आपका जो क्षेत्र होगा वो छोटा हो जाएगा। जबकि प्रेमी जी, आप बताइए कितनी दूरी तक आप यात्रा करते हैं प्रतिदिन? हम 80-90 किलोमीटर तक एक तरफ से जाते हैं प्रतिदिन। ये एक तरफ से 80-90 किलोमीटर जाते हैं फिर आते हैं, यानी कि आप समझिए कि 200 किलोमीटर के समथिंग हो जाता है कि ये इतनी यात्रा करते हैं। अच्छा, इतनी यात्रा में आप कितने गाँव में घूमते हैं? ये 7 से 8 गाँव में घूमते हैं, यानी कि इतने क्षेत्र में ये जाते हैं, उसके बाद ये मेहनत से पैसा कमाते हैं। अच्छा प्रेमी जी, एक चीज बताइए, आप जब इस गाँव में जाते हैं तो माल आपकी पेटी में कितना आ जाता है? 500 पीस इनकी पेटी में आ जाते हैं। 500 पीस का मतलब हो गया दोस्तों कि अगर ये एक पीस पे 2 रुपए भी कमा रहे हैं तो 1000 रुपए हो गए। मैं एक नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूँ, अभी मैंने रेट की बात नहीं की है। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी जो आइसक्रीम है उसकी कीमत कितनी कितनी होती है? 5 वाली की 2.5 रुपए, 10 वाली की 6 रुपए। समझिए दोस्तों, एक इनके पास आइसक्रीम है जिसकी कीमत है 5 रुपए। 5 रुपए वाली दिखाएंगे कि आइसक्रीम मुझे? हाँ। ये दोनों 5-5 वाली है। ये आइसक्रीम जो आप देख रहे हैं, ये जो आइसक्रीम है ये 5 रुपए वाली है, यानी कि ये इनको 2.5 रुपए में पड़ती है, 5 में बेचती है। अगर इन्होंने ये कुछ नहीं 100 पीस भी बेच दिए तो इनके 250 रुपए तो हो ही गए, लेकिन दिन भर में ये 500 पीस लेके जाते हैं, तो समझिए कितनी हो गई इनकी। अगर 200 पीस भी लेके गए तो 500 रुपए तो इससे हो गए। दूसरी इनकी 10 रुपए वाली ये आइसक्रीम है, चौकोबार है ना, ये सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं 10 रुपए वाली। ये इनको पड़ती है 6 रुपए की, ये 6 रुपए की पड़ती है, यानी कि अगर ये इन्होंने दिन में 100 पीस भी बेचे तो समझिए आपके कितने हो गए? 400 रुपए। यानी कि 1000 रुपए कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये 500 पीस का स्टॉक लेके चलते हैं तो लगभग लगभग इनका काम हो जाता है 500 में अगर कर दूं तो 2000 रुपए या 1500 रुपए मान के चलिए। प्रतिदिन ये 1500 रुपए का काम करते हैं प्रॉफिट, लेकिन बाहर जाते हैं तो लगभग पेट्रोल का खर्चा कितना आता है? 300 रुपए का इनका पेट्रोल का खर्चा है प्रतिदिन का। इसके अलावा बाहर निकलता है कोई तो भूख भी लगती है, कुछ नाश्ता वगैरह भी करते हैं, तो 200 रुपए आप मान लीजिए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, फिर भी आप 1000 रुपए तो प्रतिदिन कमाते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कहीं पर भी करेंगे, 12 घंटे की आप ड्यूटी करेंगे, आपको 1000 रुपए कोई देने वाला नहीं है। कोई 1000 रुपए देगा? कोई नहीं देगा। कुछ भी नहीं कर लो, लेकिन अपना बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे के आश्रित नहीं है। जब मन होता है जाते हैं, किसी दिन मूड नहीं है तो घर पे आराम से टीवी देखेंगे, कोई दिक्कत है ना, लेकिन 1000 रुपए कमाएंगे।
लेकिन मेहनत है दोस्तों, एक चीज याद रखना, जो बिजनेस में पैसा होता है उसमें मेहनत भी होती है। सुबह 8 बजे भाई भी तीनों निकलते हैं, आप कितने लोग हैं? कम से कम आपका 5-10 लोग तो होंगे ही साथ में बैठने वाले। हाँ तो इस तरह हम लोग 4-5 लोग आते हैं, बाकी वहाँ तो 25-30 लोग बैठते हैं। यानी कि ये 25-30 लोगों का ग्रुप है जो अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने बांट लिए, कोई अपना पूरब दिशा को, कोई पश्चिम दिशा को, कोई उत्तर दिशा को, कोई दक्षिण दिशा, अलग अलग दिशा में जाते हैं। हाँ अपनी अपनी एरिया बना रखी है, तो इस प्रकार से आप भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों एक चीज बताइए, कोई बंदा बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो उसे कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? तो कम से कम 2000 की पहले जरूरत पड़ेगी। 2000 रुपए एक बाइक चाहिए, 2000 रुपए। यानी कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहें तो मात्र 2000 रुपए आप रख लीजिए अपने पास। 2000 बाइक आपके पास होनी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस बाइक पे आज के समय, एक ही बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस है बिना बाइक के नहीं हो पाता है। पहले के समय में साइकिल से लोग बिजनेस कर लेते थे, अभी भी साइकिल से करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उतना माल नहीं निकाल पाते, माल नहीं निकाल पाते, 2-2.5 एकड़ निकाल पाते हैं। हाँ बस इतना ही निकाल पाएंगे। ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा। बाइक एक ले लीजिए, सेकंड हैंड देख लीजिए, 15-20 हजार रुपए में बाइक मिल जाएगी, और 15 किस्तों पे मिल जाती है। अगर आप चाहें तो किस्तों पे भी ले सकते हैं भाई जी, जैसा कि बताया है ये भी आसान प्रक्रिया है। जब 15 हजार रुपए कमाएंगे तो महीने में 5-10 हजार रुपए किस्त आराम से निकाल सकते हो। नहीं 2000-2500 की किस्त बनी गई, नहीं अगर कम से कम किस्त कर लो है ना, आप 6 महीने में पा सकते हो। जब तक बिजनेस करोगे तब तक आप पैसा निपट जाएगा, तो 6 महीने में आपका पूरा काम हो जाएगा, आप पैसे बना सकते हो। यानी कि एक बाइक किस्तों पे ले लो, 2000 रुपए का एक्स्ट्रा इंतजाम कर लो, आइसक्रीम का बिजनेस शुरू कर दो। पूरे देश में आइसक्रीम को सभी लोग पसंद करते हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ आइसक्रीम ना बिकती हो। अच्छा पैसों से ही बेचते हैं या गल्ला वगैरह भी? गल्ला से भी बेचते हैं, पैसे से भी बेचते हैं। अच्छा गेहूँ वगैरह भी लेते हैं। दोस्तों गाँव क्षेत्र में जाने पर ये एक्स्ट्रा फायदा है जो हर जगह नहीं मिलता है, गाँव क्षेत्रों में मिलता है। सिटी में आप जाएंगे तो लोग आपसे पैसों से ही खरीदेंगे, गांव में लोगों का पैसे नहीं होते हैं तो वो गेहूं वगैरह जो अनाज होता है वो दे देते हैं, चना वगैरह भी दे देते होंगे, सरसों भी दे देते हैं, चना सब कुछ मिलता है, ये सब मिल जाता है। तो ये क्या है, आपको वहां से बहुत कम कीमत में मिलता है, बाजार में आके आप दूनी कीमत बेच लेते हैं। हाँ। तो यहाँ आपको ज्यादा प्रॉफिट और देखने को मिलती है, यानी कि जो अनाज मिल जाता है आपके पर्सनल यूज में भी आता है, मार्केट में सेल करोगे तो ज्यादा कीमत, यानी कि आप आम के आम गुठलियों के दाम, आइसक्रीम भी बेचो, अनाज का भी फायदा उठाओ, इस तरह से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। गाँव में चाहे जहाँ रह रहे हो, हर जगह फैक्ट्रियाँ होती हैं। अच्छा दोस्तों फैक्ट्री अगर किसी को ढूंढनी है तो कैसे मालूम पड़ेगा कहाँ फैक्ट्री है? वो तो सर मालूम चल जाता है, जैसे हर जगह फैक्ट्री होती है, हर जगह में, हर गाँव में। तो जैसे हम छतरपुर के हैं तो छतरपुर में ढूंढ लेंगे, पन्ना वाला है तो पन्ना में देख लेगा, फैक्ट्री तो मालूम सबको ही चल जाता है। प्रत्येक जिले में दोस्तों लगभग फैक्ट्रियाँ होती हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जहाँ पर भी रहते हैं पूरे देश में, आपको केवल ये तलाश करना है कि हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री कहाँ पे है, आइसक्रीम पे फैक्ट्री खोजनी है, वहाँ जाके मालिक से संपर्क करना है कि मैं आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। वो आपकी पूरी मदद करेगा, क्योंकि वो भी चाहेगा उसका माल बिके, वो मदद करता है ना। वो मदद करता है। अगर किसी के पास बाइक वगैरह नहीं तो शुरू में कोई गाड़ी वगैरह देता है क्या? नहीं नहीं और गाड़ी नहीं, फिर तो साइकिल से बेचनी पड़ेगी। वो रिक्शा आता है ना, देता है पहिए वाला, वो तो देते होंगे। हाँ देते देता है। दोस्तों अगर आप किसी सिटी में रहते हैं, मान लीजिए आप गांव क्षेत्र में नहीं रहते, सिटी में रहते हैं, और आपने आइसक्रीम वालों से संपर्क किया, तो जो आपको पेटी होती है, जो आप साइकिल होती है, रिक्शा जो लेके चलते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आप फैक्ट्री मालिक से संपर्क करेंगे और वो उसका पैसा आपसे नहीं लेगा, केवल जो आइसक्रीम देगा उसका पैसा लेगा। प्रतिदिन आप आइसक्रीम सेल करेंगे, वो आपकी प्रॉफिट होगी, शाम को जाके आप मशीन उसकी जमा कर दीजिए, यही तो होगा। तो ये अपने घर में रख लो, फिर सुबह लेके पहुंच जाओ। हाँ ये सुबह रख लो। हाँ। अच्छा आप लोग आवाज कैसे देते हो? इससे काम हो जाता है, इससे लोग जान जाते हैं कि आइसक्रीम वाला आया हुआ है। आपको क्या करना है, केवल एक बापू खरीदे, कितने रुपए का आता होगा? 250 रुपए का। ये आपको एक पपीरा है, क्या बोलते हैं इसको आप लोग? हॉर्न बोलते हैं, ये हॉर्न बोलते हैं, मतलब इससे लोग जान जाते हैं कि आइसक्रीम वाला आ गया। तो ये 250 रुपए का ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आइसक्रीम का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, आप सोचिए कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, केवल 2000 रुपए का। 2000 रुपए में प्रतिदिन 1000 रुपए कमाने वाला शायद तो कोई बिजनेस नहीं है, नहीं, कोई बिजनेस नहीं है ऐसा बिजनेस, मेरी नजर में तो नहीं है। 2000 लगाओ, 1000 आपको प्रॉफिट, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों। और गारंटी से मैं कोई इसे फेक नहीं रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने तीनों भाई खड़े हुए हैं और जो कमा रहे हैं बता रहे हैं कि 1000 रुपए वो प्रतिदिन कमा लेते हैं आराम से, केवल सुबह निकलते हैं शाम को घर वापस आ जाते हैं।
कहीं दूर भी नहीं जाना है, ना दूसरे की नौकरी करनी है, तो ऐसा आप भी बिजनेस शुरू करो। और भी अगर दोस्तों आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपके मतलब कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करना, उसकी जानकारी हम देंगे। और दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं और उसके लिए लोन वगैरह नहीं मिल रहा है तो हमारे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए आपको अपने मोबाइल में टाइप करना होगा www.vijaybusinessidea.com। आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको बहुत सारे लोन आइडिया देखने को मिलेंगे। वहां से आप कोई भी लोन आइडिया जो आपके पसंद का हो, पर्सनल लोन ले सकते हैं, मिस कॉल पे लोन ले सकते हैं, तरह तरह के लोन आइडिया। और दोस्तों आप अगर चाहें तो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसकी जो आईडी होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए। कुछ तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद भाई लोगों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।